लखनऊ जिले के थाना भरतकूप अंतर्गत ग्राम पंचायत भारतपुर में कई जगह चोरों ने साफ किया हाथ। ग्राम पंचायत भारतपुर में कई घरों के ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का सामान साफ किया। शिव प्रसाद चौकीदार ने बताया कि मेरे घर से रात में चोरों ने लाखों का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसमें जेवरात, कपड़े और वही पड़ोसी के घर से एक मोबाइल भी ले गए और वही प्राथमिक विद्यालय के किचन का भी ताला तोड़ा गया। पास में रहने वाले लोगों की आवाज सुनकर चोर भाग निकले और कोई भी सामान नहीं ले जा पाए। प्रधानाध्यापक जी ने बताया कि हमारे किचन से लगभग कोई सामान नहीं गया। आखिर सर्दी का मौसम आते ही चोर हुए सक्रिय। पिछले साल भी भरतकूप थाना अंतर्गत कई गाँवों में चोरी की वारदात की गई थी, लेकिन किसी का खुलासा नहीं हो पाया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस चोरों को पकड़ने में सफल होती है या फिर चोर इसी तरह अपनी वारदात को अंजाम देते रहेंगे। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम, बांदा मंडल प्रभारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल। सर, आपके विद्यालय में हमें जानकारी हुई है कि कुछ चोर अराजक तत्वों ने ताला तोड़ा है, और उसमें क्या क्या कैसे क्या हुआ इसके बारे में आप? मुझे भी जो जानकारी हुई कि आज यहाँ गांव में जो है चोरी हुई, मैं भी स्कूल आया जो है तो देखा कि यहाँ किचन का ताला जो है टूटा पड़ा जी, तो अंदर खोल के देखा तो कुछ सामान हो सकता है कुछ चला गया हो, नहीं ले जा पाए। अच्छा, तो आप अभी पूरा सामान मतलब क्लियर नहीं कर पाए हैं कि गया कि नहीं गया? क्या क्या था जो है, कुछ सामान वहाँ रखा है उस कमरे में। जी जी, तभी क्लियर होगा। सर, आपका नाम क्या है? राम लखन जी। प्रधानाध्यापक जी, भाई जो ये आज चोरी हुई है आपके घर में जी, कितने टाइम लगभग हुई, आप जान पाए या ना जान पाए, कैसे हुई? हम जान तो नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 1:30 बजे के अंदाज में हमारी चोरी हुई है, क्योंकि हम 12:30 बजे तक जगे हैं। अच्छा, और इसके बाद हम सो गए हैं तो हम नहीं जाने। इसके बाद हम 3 बजे जगे हैं जी। जब जगे तो हम पेशाब करने के लिए जगे, तो जब जगे तो बाहर देखा तो हमारे दरवाजे लॉक थे। फिर हम दूसरे व्यक्ति को अपने पड़ोसी में जो है आवाज़ दिया और फ़ोन किया, उन्होंने आके दरवाज़ा हमारा खोला। अच्छा। तब हम बाहर देखे तो जब दरवाज़ा लगा तब हमें शक हो गई कि कुछ में कुछ हमारे घर में मतलब कांड हो गया, या तो फिर भैंसी चली गई तो फिर चोरी हो गई। अच्छा, हम इधर देखा तो दरवाज़ा हमारा खुला था। चोरी में आपके कौन कौन सा सामान गया है, क्या क्या ले गए हैं? चोरी में छागल चली गई, 3 पायल छोटी वाली चली गई, और सोने का माला चला गया, मंगलसूत्र चला गया, और ये नाक थी बेसर चली गई। अच्छा। और 2 लाकेट अलग से थी लड़के की। अच्छा। वो भी चली गई, और करीब करीब हमारा 1,20,000 का सामान हमारा नकदी चला गया। आधा किलो करीब चांदी थी, और उसमें 1 तोला से सोना कम नहीं था, 1 तोला से और ऊपर था, 2 मंगलसूत्र थे। आपको क्या लग रहा है, आपको किसी के ऊपर शक गया, मतलब कैसे क्या लग रहा है कि? जी, शक तो है, एक गमछा मिला है, शक है हमें जी, लेकिन शक में हम अभी उसको अडजस्ट नहीं किया, ना पकड़ाया है, लेकिन पकड़ाने की कोशिश में है कि और पुख्ता साबूत मिले तो उसको पकड़ाया जाए। तो जो गमछा आपको मिला हो कहाँ है? वो गमछा यहीं रखा है, प्रशासन में रिपोर्ट की, यहाँ अभी तक कोई जाँच पड़ताल के लिए अभी दोबारा नहीं आए हैं। अच्छा। जब रिपोर्ट किए हैं और नाइट में 100 नंबर आई है। अच्छा। और थाना प्रभारी से हमने एप्लीकेशन दिया, रिपोर्ट दर्ज की है जी। थाना प्रभारी ने कहा कि आप चलिए, हम आ रहे हैं। तो अभी तक पुलिस आई नहीं? अभी तक कोई हमारे लिए वो नहीं किया कि आकर जांच का। ठीक। और बताते हैं, कई घरों में जो है चोरी आज हुई है। हाँ। चोरी मोबाइल की बता रहे हैं कि ये एक विश्वकर्मा है, तो उसका मोबाइल गया है, उसका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया है जी, तो उस नंबर के लिए बड़े साहब ने मांगा है, तो उसका नंबर भी दे देंगे। और ताला टूटे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ताले टूटे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने उन घरों का ताला तोड़ा है एक संक्षेप तौर में दिखाने के लिए। चोरी हमारी टारगेट हमारा हुआ चोरी का। अच्छा। लेकिन इन्होंने संक्षेप किया है। अच्छा। और हर जगह ताले तोड़ के ये विस्मय पड़ जाए कि गांव के व्यक्ति नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति है। अच्छा। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि एक व्यक्ति जरूर यहां का सहिया है, वो भले बाहरी रहे हों लेकिन एक व्यक्ति है। अच्छा। जिसको हम सब कर रहे हैं, उसका भी आप नाम नहीं बताना चाहते? नाम अभी नहीं बताना चाहते, क्योंकि साबूत थोड़ा सा पुष्ट कर ले तब बता सकते। ठीक। आज वैसे विद्यालय का भी ताला टूटा है? हाँ, विद्यालय का कई जगह जो है, लेकिन वहाँ से ले नहीं गए वो कुछ। ठीक ठीक। विद्यालय सब हमारा। आपको क्या लगता है चोर कैसे आए हैं, आपके घर का ताला टूटा है या छत से, या कैसे कैसे प्रवेश किए हैं घर पे? ये सर छत ही से आए हैं, छत से, और जीने से उतर के आए हैं दीवार से। अच्छा। हाँ, पीछे साइड से इन लोगों ने आए हैं,
और पीछे साइड से आकर के चोरी किया। दो आइटम करके आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद। अच्छा। बाबा देव।